भाई अभी लूसी को बाहर निकलना थोड़ा, क्योंकि ये चेक करना पड़ेगा ना कि भाई बच्चा एक ही है क्या, एक ही बच्चा है भाई, ये रहे ही है बच्चा, ये परेशान हो गया यार। मम्मी के बाद झाड़ू की जरूरत ना, बस कपड़ा कपड़ा दे दो, एक बार कपड़ा भी झाड़ो, कोई कपड़ा दे दो, तो दे दो साफ सुथरा ही, कोई खुश हो रही भाई। लूसी के लिए कपड़ा वगैरह बिछा दिया, अभी भाई ये छोटा सा बच्चा हुआ ना तो इसे शहद चटाता हूँ, शहद दे दो शहद, ले लूसी ले तेरे सामने ही है, अब लूसी, भाई लूसी अपने बच्चे से इतना प्यार कर रही है, सोच रही कि कहीं मैं इसे दूर तो नहीं ले जा रहा, छोटा सा वो लूसी की तरह छोटी मोटी, हां छोटा सा कन्नी उंगली था भैया, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, व्यू कौन आ गया, अब लूसी ना तेरे पास ही है, तेरे पास ही है, गाइस लूसी के पास ही रखना पड़ेगा क्योंकि लूसी को ये लग रहा है कि मैं इसे दूर लेके जा रहा कहीं, रुक जा रुक जा, व्यू हट बेटा हट जाओ, इधर हो जाओ, इधर बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, उधर गाइस अभी रील से इसका वो करना पड़ेगा जो ये सूंड सा होगा ना ये वाला, और भाई मेरे को कुछ नहीं पता, फर्स्ट टाइम कर रहा है सारी चीज, और फोन पे पूछ के कर रहा, ओए 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 भाई मुंह खुल गया, देखो मम्मी मुंह खुल गया पूरा, ओए बुक हो गया, हां पकड़ो एक बार इसे, यहां गांड मार दो मम्मी, अपना ही पैर देखो, ओए ओए पी रहा गाइस, दूध पीने की कोशिश कर रहा, अभी इसका अभी दूध पिलाऊंगे इसे, बट पहले एक बार ये कर दे, ये लो थोड़ा, ये यहां से बाहर, ए बस बस ए थोड़ा नीचे कर दो, शिवरात्रि में शिव जी फिर घुस गया आपके नीचे, गई इधर ध्यान रखना इसका, आज अभी से ट्राई करते हैं दूध पिलाने का, देखते हैं लूसी से दूध पिलाओगी क्या, अबे लूसी ओ पी लिया ओ भाई पी लिया दूध, ओए दूध पी लिया, चलो बढ़िया बात है गाइस, इनने दूध पी लिया यार, भाई हमारा बिल्कुल फर्स्ट टाइम है और अलग ही फील हो रहा, बिल्कुल रुक जा लूसी, गाइस लूसी को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि लूसी का भी फर्स्ट टाइम है, तो इसलिए लूसी परेशान हो रही, रुक जा लूसी दूध पी ले अंदर से, वो तेरा बच्चा है दूध पी रहा, प्यार से बात कर रही ना, नहीं मैं ना दम करा, गाइस ये देख लो भाई ये हमारे पास आई थी और मेरे को ये नहीं पता था कि एग्रेसिव है या क्या आया, बट मैं इसके पास बैठा बिल्कुल प्यार से बैठी, और हाँ तेरा बच्चा है ये चाट ले, गाइस अभी ये देखना पड़ेगा कि भाई ये और कितने बच्चे देने वाली है, आज तो पूरी रात इसके पास ही बैठना पड़ेगा, और मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि भाई इतने बच्चे दे दिए और हमें पता भी नहीं चला, घर में किसी को भी नहीं पता चला, क्या पप्पी तो इसे नहीं कर रहा, पप्पी दे दे अभी से, क्या करेगा पप्पी का, तू अभी छोटा है वो, अभी उसके मम्मी पास रहना उसे अपनी, ठीक है तो क्यों तो नहीं रहता मेरे पास, वो भी तो अपनी मम्मी पास रहेगा, अबे ओए तू मत आवे यहाँ, काट लेगी वो, गुस्सा आ रहा है इसे, इतना ड्रामे बाज है, ओ नहीं ये देख लो छोटे पप्पी का हाथ लगा रहा है, व्यू अगर डरना तो सही मत लगाना, तू मत लगावे इन्फेक्शन हो जावे, छोटा बच्चा है भी बेटा, वो तू मत लगावे यार, हाथ तेरे गंदे है, तू मत लगावे हाथ, तो गाइस अभी हम लूसी को अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से उसका जो है कपड़ा बिछा देंगे अच्छे से ताकि उसे सर्दी ना लगे उसे भी और उसके बच्चे को भी, और अपना यहाँ से आराम से देखते रहेंगे पूरी रात, आज उसका जगराता चलेगा हमारा, गाइस व्यू को देख लो क्या कर रहा है, इस पप्पी की पूरी केयर कर रहा है, ये उठा के ले आया, अबे ये पता क्या है ये गंदा पानी, अबे नहीं भाई व्यू तू मत छेड़ा प्लीज, अबे ओए नो दूध पी रहा वो अपनी मम्मी का, अबे तन्ने तो पिया नहीं अपनी मम्मी का दूध, हट जा यहाँ से, ऐसे तो पी लेंगे, गाय अपनी मम्मी का दूध पी रहा है आराम से, और ये आराम से इसे दूध पिला रही, मैं तो ये सोच रहा था कि क्या पता भाई ये कुछ खतरा कर दे इसके लिए, बट ये देख लो पूरा प्यार कर रही है इससे, अब ओ भाई साहब तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ से चला जा, हम अपने आप कर लेंगे सेवा पानी इसकी, चला जा यहाँ से तू, गो आप ऐसे नहीं बेटा सुन, वो छोटा है अभी, गाय भी गुस्सा हो गया और गुस्सा होकर चला भी गया, जाओ बाय, बड़ा होगा ये जाओ भाई, इसकी केयर करनी पूरी, ओए 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 दूध पी रहा यार वो, मैं पैर के नीचे मत दबा है प्लीज, दूध पी लेंगे उसे, गाइस वैसे अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, जैसा जैसा भाई बता रहे ना जिनसे मैं पूछ रहा सेम टू सेम हमने ऐसे ही करा, और ओए हाय ओए होए 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 ले ए ले ले ए ले पी ले दूध पी ले, ओए पी रहा दूध पी रहा, भाई ये देख लो बिल्कुल ब्लैक बच्चा है, और अभी ना भाई पहले अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिया सारा, और यहाँ कपड़े बिछा के यहाँ पूरा ध्यान रख लेंगे, और ठंड भी नहीं लगने की कुछ नहीं होने का, और बस इसका ध्यान रखना भाई, मेरे को मेरा बिल्कुल फर्स्ट टाइम है, मेरे को पता नहीं अभी, लूसी ये रहा तेरा बच्चा अभी, और व्यू तो हट जा यहाँ ना, यहाँ बिल्कुल कम्फर्टेबल होकर बैठ जाएगी, चल भाई बैठ जा, ये भी बच्चा साफ सूफ करके शायद मुँह में चटा के छोड़ दिया, नहीं लिया पहला जिंदगी में पहली बार, अरे हाँ तो एक काम कर, हाँ एक तो ले ले ब्लेड, अच्छा ब्लेड तो काट दिया मन्ना वो, हाँ लेकिन ब्लेड को डिटोल में डाल ले कटोरी में गिर के, बच्चा बाहर निकला तो रील तो बांध के, हाँ। एक इंच छोड़ के, हाँ। रील तो बांध कर उसको ऊपर का ब्लेड तो काट दे करिए, हाँ।
बस यू काम है, यू काम करना और बच्चे को साफ करके दूध पे लगा तुरंत। भाई को वीडियो कॉल कर ली और भाई बताओ कैसे कैसे बच्चा पता लगेगा। अभी जा लो भाई बच्चे को ले, लूसी एक मिनट रुक जा, वीडियो कॉल में दिखाना था बच्चा। इस बच्चे का केक के ध्यान रखना, कुछ नहीं करना। वो जो नु कह रहा है वो छवाणी हो गया, लपसी सी हो गया, वो खुआ सके। अच्छा बच्चा और कितनी देर में दे सके यहाँ? कुछ नहीं पता, 10 मिनट में देता, देने को आध घंटा भी लगा था कि भाई। और आध घंटा तो हो लिया यार, नहीं देता कि अपने आप फोर्स लगाओगे जी। लगा भाई फोर्स। अभी मैंने बच्चे को इधर बिठा दिया, लूसी ये देख रही कि बच्चा कभी इधर चला गया, वो बच्चा यहीं है बाबू तेरा, ये रहा बच्चा। और मैंने करेट इसके पास ही रख दी ताकि इसे पता लगता रहे कि बच्चा इसका यहीं है। अभी पापा भी आ गए, पापा को दिखाते हैं भाई। पापा नवा बाड़क हो गया घर में, लो हाँ ये लेक हुआ तो चार हिस्से हो गए। जब उत्तम बार हटो ना, पापा बैठना पड़ेगा, रखवाली करनी पड़ेगी इसकी। चलो आराम था वो खरंदे बेचारे को, ठीक है। तो इसी परेशान हो रही बार बार, पता नहीं क्या हो रहा, मुझे लग रहा है इसका दूसरा बच्चा आने वाला है, बस इसी के इंतजार में बैठे है। देख लो परेशान होगी, दे दे बच्चा, दे दूसरा भी देते दे। अभी बर्फी भी आ गई, लेकिन बर्फी को अब तक पता नहीं कि छोटा पप्पी भी आ गया हमारे घर में। और इधर ये रहा पप्पी भाई, पप्पी को मैंने इसकी मम्मी के पास ही रख दिया क्योंकि परेशान हो रही थी बार बार। कौन आ गया बर्फी, कौन आ गया? तू बगल चली जा, जा गाड़ी से बगल ही भेजना पड़ेगा वरना। ओ भाई साहब इतना गुस्सा, भाई साहब, ओ भाई, भाई साहब इसका तो मुंह खा गया, अबे दांत नहीं लगे, सूट दिया नाक नाक खा गया इसका तो। चल बाहर भाग जा, चली जा यहाँ से, चली जा। भाई मेरे को यकीन नहीं हो रहा भाई, इतनी ज्यादा खतरनाक है लूसी यार। लूसी तो पूरी ज्यादा एग्रेसिव होगी डॉग्स के लिए, तो अगर कोई इसके पास आ गया भाई, इसके बच्चे को हाथ भी लगाया ना तो चीर फाड़ देगी। गाइस अभी मम्मी ने कुछ स्पेशल बनाया लूसी के लिए, ये रखता हूँ भाई, बहुत ज्यादा स्पेशल चीज है इसके अंदर। ये स्पेशल चीज वो है जो मम्मी आज से 18 साल पहले जब हमारे पड़ोस में एक पिलिया रह रही थी, उसके जब बच्चे हुए थे उसे दिया कर रही थी, वही वाली चीज है। पर भी बाहर आ जा भाई, ले ये चीज पी तू, देख के हाँ जो भी आई पी, पी ले, पी ले बेटा, पी ले, पी ले, पी ले, ओए पीली पीली। पप्पी को दूध पिला दिया थोड़ी देर के लिए, इसे अकेला छोड़ दूँ अभी भाई। दूसरा पप्पी नहीं आया, पिछले आधा घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो गया। अब देखते हैं भाई, पूरी रात ही जागना पड़ेगा, देखते हैं कब तक बच्चे आएंगे, आएंगे भी नहीं आएंगे, जो भी होगा पता लगेगा भाई मेरे को। तो मेरा तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम है, और जैसा भी हो रहा, जो कुछ भी हो रहा, वो सारी चीज़ मैं तुम्हें बता रहा। गाय जब ये दूसरा बच्चा हुआ, लेकिन भाई इसकी डेथ होगी, पहले ये मरा हुआ ही बच्चा हुआ, मतलब मरा हुआ ही आया ये बाहर। फिर गए हमारे यहाँ हुआ तीसरा बच्चा, और ये तीसरा बच्चा बिल्कुल एक्टिव था, लेकिन जो दूसरा बच्चा हुआ था भाई, उसकी डेथ हो गई थी। अभी इसका सेम ऐसे प्रोसीजर करेंगे जैसे हमने पहले वाले बच्चे का करा था। अब इन बच्चों को साफ सुथरा करके क्रेट में रख दिया ताकि डिस्टर्बेंस ज़्यादा ना हो। दूध पिलाया था इन दोनों बच्चों को, दूध पिलाया तो दोनों बच्चों ने आराम से दूध पिया भाई, इन्हें कोई टेंशन नहीं थी, बहुत आराम से प्यार से दूध पिया इन दोनों ने। और लूसी के लिए खाना आ गया, अबे लूसी पी लेने दूध उसे, लूसी दूध पी रहे हो, दूध पी रहा, ले ले पी ले, ले, ले। और भाई सारे बच्चे ब्लैक ब्लैक आल लग रहे, पूरे ब्लैक, सारे मुंह भी ब्लैक, सब कुछ ब्लैक ब्लैक आल लग रहे पूरे। गाय जब ऐसा लग रहा कि एक बच्चा और आएगा, अबे रुक जाओ भाई ये बच्चे हटा दूं मैं पहले एक बार, आएगा 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 आएगा, पीछे रुक जाओ लूसी, लूसी चल चल कर ले कर ले कर ले। गाइस मैं लूसी के पास ही बैठा बिल्कुल, चलो 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 चलो। लूसी कोशिश तो कर रही है बच्चा आ जाए निकल के, बट आ नहीं रहा यार अभी। मेरे को तो लग रहा भाई एक दो बच्चे और आएंगे, वैसे पेट देख के तो मेरे को अंदाजा था कि 5 या 6 बच्चे आएंगे, बट अभी 3 बच्चे आए जिनमें से एक की डेथ होगी, 2 बच्चे बिल्कुल सही है। चू 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 कर रहे ये बच्चा आया निकल के, तोड़ दो ना। नो लूसी, लूसी नो, इसे मत खान दो, लूसी ले, लूसी ले, लूसी ले, ले बेटा। तन्ना बिल्कुल साफ कर लिया, बहुत धन्यवाद तेरा, तू दूध पिला इसे,
राजा इसे दूध पिलाते हैं। ले ले ले, रुक जा, तू इसे दूध पी लेने दे, दो मिनट तू रुक जा। अबे पी ले दूध, पी ले यार। अबे भाई पी ले दूध। कितने दिन में खुलेंगे यार? 15 दिन में। 15 दिन गाय जी, जो फोर्थ बच्चा है ना, इसको मतलब लग नहीं रहा, मन नहीं है इसका दूध दाद पीने का भी, ना दूध पीने की कोशिश कर रहा, ना एक्टिव है, ना रो रहा, ना बोल रहा, मतलब कुछ नहीं कर रहा है, चुप 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 है बिल्कुल। देखो देखो कैसे आराम से लेट रहा, कुछ एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, जैसे इन सब के अंदर है ना, ऐसी एक्टिविटी इसके अंदर नहीं है बिल्कुल भी। मैं कोशिश भी कर रहा है इसे दूध पिलाने की, बट भाई यार लग नहीं रहा कि मेरे को ये दूध दाद पी रहा, बस नॉर्मल है बिल्कुल यार। गाय जब भी मैं इसे ट्राई कर रहा दूध पिलाने की, बट ये यार दूध नहीं पी रहा, जैसे इन दोनों ने आराम से पी लिया था ना दूध, अब ये है देखो यार पी नहीं रहा यार, पता नहीं क्या हो रहा। अब ये दोनों को छोड़ दूंगा आराम से, थोड़ी देर में अपने आप ही थन पकड़ के दूध पीना शुरू कर देंगे। गाइस सबसे बड़ा टास्क ये है कि इन बच्चों को अब दूध पिलाना, और ये ना दूध पी नहीं रहे यार। एक दो बच्चा दूध पिया, दूसरा हट जावे, दूसरा पिया, तीसरा हट जावे, समझ में नहीं आ रहा इन्हें एक साथ कैसे दूध पिलाओ। पीले पीले, बट जो अभी नया आया ना इसे दूध पिलाता हूँ, बाकी दोनों ने तो पी रखा दूध। अब जो छोटा सा है ना वो जानबूझ के सबसे नीचे घुसे जाके, अब तो इतने छोटा सा है फिर भी यहाँ घुस रहा जाके। एक मिनट तू बाहर आ निकल के, ओ भाई मतलब उम्र में सबसे बड़ा, अब कहाँ पलट गया भाई साहब। गाय जी लूसी तो सो गई, और इसके 3 बच्चे हैं, वे भी आराम से सो रहे, थोड़ा थोड़ा दूध पी गए, और मेरे को इसके पास ही ऐसे बैठना पड़ेगा भाई, पूरी रात बैठना पड़ेगा आज मेरे को, क्योंकि भाई मेरे को जरा सा भी वो नहीं है, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को खुद इसके पास बैठना पड़ेगा, और थोड़ी थोड़ी देर में दूध भी पिलाना पड़ेगा बच्चों को। और ये सो रही है, बस इसे सोने देते हैं, और पूरी रात जाग के मेरे को ये देखना पड़ेगा कि कोई परेशानी तो नहीं होती है। भाई पहला बच्चा तो हो गया था ऑटोमेटिक, पता ही नहीं चला उस बच्चे का तो हमें, लेकिन बाकी बच्चे ना सही तरीके से हो रहे, बस ये है बिल्कुल भगवान की कृपा रही तो बिल्कुल सही रहेंगे, और आगे जो बच्चे और होंगे वो भी सही होंगे। गाइस जब भी बच्चा हुआ है ना ऑटोमेटिक डर लगना शुरू हो जावे हाथ से, मतलब ऐसा लगा लगा है कि पता नहीं हो क्या रहा, करना क्या है आगे, कुछ समझ में नहीं आता, बस डरते डरते मन से तब जाके भाई थोड़ा बहुत करा जावे आगे, जो भी करा जावे पक्का मन करके। भाई बहुत चीज है, बहुत अलग चीज है यार, बहुत अलग चीज है भाई, इतना डर लग रहा मेरे को, मेरे को पता कि कैसे हो रहा, कितने नाजुक हाथ से पकड़ना पड़ रहा और साफ करना पड़ रहा ऑटोमेटिक, ऐसा लगे कि ये क्या आ गया यार, इतना इतना नाजुक सी चीज। गाय जब रात के 12:52 हो गए हैं, और भाई तीनों बच्चे आराम से बिल्कुल सही है, और बाकी अभी तक तो एक भी बच्चा और आया नहीं कोई भी, लेकिन इन्हें दूध पिलाता हूँ क्योंकि इनके दूध पीने का टाइम हो गया। घर में सब सो गए भाई, मैं ही जगा हुआ हूँ, बस अब दूध पी ले, वही दूध पिला दे इन्हें लूसी। गाय लूसी को दूध पिलाना है इन्हें, लेकिन लूसी अभी, लेकिन ये बच्चे ने अभी ये नहीं पता इन्हें कि दूध पीना कैसे है। ये पिएगा पिएगा पिएगा, चलो गाइस मैंने दूध पिला लूँ यार, मैं अकेला रह गया। अब के 2 बजने वाले हैं, 1:51 हो गए, बट अभी तक कोई और बच्चा नहीं आया, लूसी भी आराम से नॉर्मल हो गई सॉरी। देखते हैं भाई रात के टाइम अगर बच्चा आता है तो ठीक है, वरना मैं भी बिल्कुल इसके पास ही हूँ, कहीं दूर नहीं जा रहा, बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब भाई बच्चे होंगे। अभी हमारी लूसी और उसके बच्चे सारे ठीक है, और अभी ये तो सो गए, और टाइम आपको दिखा दूँ क्या हो रहा, ये देख लो 3:04 हो रही, तो ये सो रहे हैं, मेरी आँख खुल गई, तो अभी मैं बैठी इनके पास इनकी देख रेख कर रही। अभी सुबह होगी और मैं रात को लगभग 1.5 घंटा ही सोया हुआ, और भाई अंकों में नींद है अभी भी, और वह बच्चों को दूध पिलाना पड़ रहा है, ये भी परेशान कर रही, इसे भी ये लग रहा कि पता नहीं क्या हो रहा। गाइस कैसे कैसे केयर करनी कुछ भी आप लोग बता सकते हो कमेंट करके, क्योंकि यार मेरे को नहीं पता, इतनी नॉलेज नहीं है मेरे को, तो आप लोग सब कमेंट करके बता देना कैसे कैसे इनका ध्यान रखना है, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है।